पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार हर एक दिन देश में एक की मौत होती है हाथी या बाघ के आक्रमण से। इसी तरह भातखावा चाय बगान में 12 मई 2018 को अभिराम खड़िया की मौत हुई थी हाथी के आक्रमण के कारण। अबा के हाथी मार रहा है और अबा को इसने मतलब गंगा दूर तो घूर एक जा रहे हैं घूने से आवत रहे। वो जो एक्सीडेंट होलक उकर बाद में का कार्रवाई होलक का करला तो रहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले दोथा बड़े ले गए। अच्छा से भेट कर लग बतिया लग मोर से तो तनिक बहु कह लग वहाँ के सीधा गया। पीड़ित परिवार को मदद दिलाने के लिए मैंने इस वीडियो को सामुदायिक स्क्रीनिंग किया और आवेदन लिखने में मदद की। इस वीडियो के माध्यम से हमने अधिकारियों को भी समस्या से अवगत कराया और लगातार फॉलोअप करते रहे। जो भी हाथी से मरता है, हाथी से डेथ जिसका भी होता है, तो उसको ये पेमेंट हम लोग दिया जाता है। इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे लीगल हेयर्स दिया जाता है या एंड पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुछ पहले कुछ पेमेंट पहले दिया जाता है, कुछ पीएम रिपोर्ट आने के बाद दिया जाता है। राजा उस समय जब केस हुई तो उस समय हैरियर नागबंशी भी थे, कैमरा उमरा उन्होंने किया था, डिपार्टमेंट को भी दिखलाया, हमें भी दिखलाया, गांव वालों को भी दिखलाया। तो हमें जो महसूस होता है कि उनका भी एक रोल है इसमें। ये हमारा भी ड्यूटी होता है, इसी वजह से हम इस चेयर पे बैठे हैं। जो अभिराम खड़िया का जो केस है उसके केस में भी देखा जाए तो कोई डिले नहीं हुआ। कितना रुपया होने से दिलाई? 2.5 लाख पैसा मन मिल के बहुत मदद भी होला। बहुत दिन मन हुई रही जे हमके फर्ज बर से सरकार बर से पैसा मदद मिल लग। धन्यवाद देख चाहूँ।